हेलो, और कैसे हो सभी? कैमरा ऑन, एक श्वेता गुप्ता, बाकी सभी ने कैमरा ऑफ कर रखा है। और आज कैमरा ऑन सबको करना है। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि आज हम योगा करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस सीखेंगे 10-15 मिनट्स, तो कैमरा आज सबका ऑन होगा। ओके, कैसे आप लोग? कुछ अप्लाई हुआ खाने? कैसा है खाने वाने में? कोई चेंज वेंज किया है या वैसा का वैसा चल रहा है? अनम्यूट करके बोल सकते हो। कुछ तो चेंज हुआ? पानी गर्म शुरू हुआ, ब्लड स्टार्ट हुए, चाय कम हुआ? पानी मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है, 3.5 लीटर से ज्यादा दे रही हूँ। अभी हम आज जो फोकस करने जा रहे हैं, आई होप आप लोगों ने कुछ चेंजेस करे होंगे। ऑलरेडी मैं जैसे बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग का स्टार्ट कैसे होना चाहिए, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर का क्या टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट वन ग्लास ऑफ मिल्क जो है हमें हर रोज इंक्लूड करना ही है, लिटिल बिट ऑफ थोड़ा बहुत हल्दी के साथ में। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोविड से जब हम फिजिकली फिजिकली जब हम बचाव करते हैं, तो उसमें हमारे लिए स्पेशल क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग अब रह गई है ज्यादा। अब लोग थोड़े ऐसा हो चुके हैं कि मतलब काफी हद तक घुलने मिलने लग गए आपस में, बट स्टिल हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी खतरा बना हुआ है। ठीक है, हो जाओ, आओ जाओ, बट बी विद मास्क। मास्क और सैनिटाइजेशन को प्लीज 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 मत भूलो, क्योंकि अगर एक बार ये चीज वापस आई ना, तो वापस पता नहीं कितने लोगों को क्या करके जाएगी। और डोंट फॉरगेट कि जब पिछले सेकेंड वेव में जो डॉक्टर्स गए हैं, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है। मैं यहाँ पर आप लोगों को डराने के लिए या किसी भी चीज के लिए नहीं आई हूँ, जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 3,000 से ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हुई है, और वो 3,000 से ऊपर डॉक्टर्स डबल वैक्सीनेटेड थे। तो हम जो एक अलग से उसमें आ रहे हैं, एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, चौड़ में आ रहे हैं, वैक्सीनेटेड है जी हम तो उसमें ना रहे। अभी भी प्लीज डिस्टेंसिंग, मास्क। अगर डिस्टेंसिंग कम हो रही है तो भी प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद मास्क एंड पर्सनल हाइजीन। घर में जब आप एंटर करें तो कोशिश करें, याद है हम कैसे थे उस टाइम में? डरे सहमे अपना एक एक सामान को धो धो के रखते थे और ऐसा। और अब तो वापस हमारा वो सब जाग चालू हो गया। तो जब आप बाहर से आते हो, तो घर में एटलीस्ट एक बार शॉवर लेकर के अपने कपड़ों को रियूज। अब प्लीज अपने बच्चों को, जिनको नहीं लगा वैक्सीन अभी तक, तो उन बच्चों को बचा सकते हैं हम। और साथ में जो हमारे बड़े हैं, जो 60+ हैं, उन मतलब 55 से ऊपर भी, जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है, बट स्टिल मैं एक छोटा सा अपने आसपास से एक टैली बता रही हूँ, एक सर्वे बता रही हूँ, जिसमें आपके वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन के बाद एक टेस्ट होता है कि आपके अंदर बॉडी में आपकी इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई है। तो 60% जो लोग थे, जो कि 60+ है, उनकी इम्यूनिटी बेसिकली वैसे ही थी, एंटीजेंस नहीं बने थे बॉडी में। पता है लाखों में जो एंटीजेंस होने थे, वो कितने थे उनकी बॉडी में? 100, 10, 5। क्या इससे हमारा कोरोना से बचाव हो सकता है? क्या उन लोगों को दोबारा कोविड नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अगेन जो टारगेट है वो हमारे छोटे बच्चे हैं और हमसे बड़े। और अब जब स्कूल खुल गया है, अब जब हमको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तब हम थोड़े और फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इन सब चीजों को। तो प्लीज थर्ड वेव का इंतजार ना करें कि डॉक्टर अलार्म बजाए, सरकार छुट्टी करे, तभी हम सुधरेंगे। उससे पहले हम नहीं सुधरेंगे। तो प्लीज उसका इंतजार ना करें। अपना कर्तव्य है अपना काम करना, दैट्स इट। तो इस बात पे मुझे लगता है कौन कौन सहमति रखता है कि हमें अपना प्रिकॉशंस नहीं भूलना चाहिए? यस, आप लोग खुद ही मतलब सोशल वर्कर्स हो आप सारे, और आप लोगों में से किसी एक को भी हुआ ना, तो सोचो आप लोगों के एरिया का काम रुकेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग इतना ध्यान रखोगे, और आप लोगों की जान हर बार की तरह मैं जैसे बताती हूँ बहुत ज्यादा कीमती है। आज हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट के तीन जो हमारे क्लासेस हैं, उसमें एक में ये शोल्डर पेन, जिसको आप लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हो, या सर्वाइकल का पेन है। हम मेरे को सर्वाइकल है, मुझको दिक्कत है शोल्डर में और नेक में जो पेन आता है, वो जो बच्चे हैं 25-30, उनको वो फील नहीं आया होगा, बट अबव उसके ऊपर सबको हल्का पेन आ ही चुका होगा या फिर फील कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम
एक इसको डिवोट करने वाले हैं अपना टॉपिक, एक एक दिन, एक बैक को और एक नी को। आप में से कोई और कुछ और ऐड करना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है। हार्डली मैं 10 to 15 मिनट्स की एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो आप लोग अभी यहाँ पर बैठ के कर सकते हो, ठीक है? और वो होगा, हमारे चेयर पे भी बैठ सकते हैं, जैसे मेरे पीछे वॉल दिख रहा है, वॉल के पास भी कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइजेस आपको एटलीस्ट अपर बॉडी का जो पेन है उसे रिलीज करवा दे, ठीक है? और बहुत सारे लोग बहुत सारे काम के बीच में यहाँ पर जुड़े हैं। आई फील लाइक कि मैं कैसे उन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आई डोंट नो। पर आप लोगों का हर एक दिन ऐसा बिजी होता होगा, आप इस तरीके से बिजी रहते होंगे, पर स्टिल आप लोगों का हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो बिफोर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, वी शुड सेट स्ट्रेट, है ना? बैक को एकदम स्ट्रेट करके बैठते हैं। आईज क्लोज जस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद, और प्लीज अपने कंधे को आराम दीजिए। आराम मीन्स ढीला छोड़िए, आंखें बंद कीजिए, लंबा ब्रीथ, आईज क्लोज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। बाकी जितने लोग हैं सभी को कैमरा ऑन करना है, रिक्वेस्ट कैमरा ऑन कीजिए सभी। लंबा सांस लेना है और छोड़ना है, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फोकस करिए कहाँ, अपने श्वास पर। आज हमको शोल्डर की एक्सरसाइजेस करनी है, तो फोकस करिए हमारे शोल्डर में। मैं जहां पर भी पेन है वहां मैं अपनी पूरी एनर्जी भेज रही हूं या भेज रहा हूं। आप पहले शुद्धि क्रिया मींस थोड़ी से कपालभाति कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को एटलीस्ट सप्लाई कर पाए। पैर को क्रॉस कीजिए अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो, हाथ महामुद्रा में ऐसा खुला या ज्ञान मुद्रा में ऐसा घुटने पर रखना है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए स्टमक की मूवमेंट पे फोकस करना है। याद है पिछली बार का होमवर्क था, आपको ध्यान से अपनी स्टमक की मूवमेंट को देखना है। पुट योर हैंड्स, एक हैंड को, एक हाथ को अपने पेट पर रखो और फोर्सफुली एक्सहेल करो और स्टमक की मूवमेंट को ध्यान से देखो। Eyes closed. हमने 25 का एक सेट किया कपालभाति का, और एक सेट हम और करेंगे कपालभाति का। सुमन जी, सप्ता जी कैमरा ऑन करेंगे, मेरे को नहीं दिख रहा, आई होप इंटरनेट की दिक्कत होगी उधर। फोर्सफुली फिर से एक सेट स्टार्ट, स्पाइन स्ट्रेट स्टार्ट। बहुत बढ़िया मीना प्रजापत जी, बहुत बढ़िया, आपने सबको अरेंज किया और सब मुझे दिख रहे हैं। हम आगे भी कभी करेंगे तो मुझे ऐसे सारे दिखते रहेंगे एंड देन हम उस पर काम कर सकते हैं, सही गलत मैं बता सकती हूँ। यस भारती जी, सबको सेट करके और कैमरा सामने रख लीजिए। एंड रिलैक्स। ये था हमारा बॉडी को तैयार करना। एक और चीज करेंगे हम तैयार करने के लिए, और वो क्या होगा, लेफ्ट नोस्टल से ब्रीथ लेके राइट नोस्टल से एक्सहेल करना। सिर्फ लेफ्ट से ब्रीथ लेंगे, कैसा था मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अपने सेंटर ऑफ आईब्रोज पे रखेंगे, लेफ्ट से लंबा ब्रीथ लिया,
और राइट से एक्सहेल किया। किसी को याद है कि हमको स्टमक की मूवमेंट को फोकस करना है? सांस लंबा भरेंगे, पेट बाहर आएगा। फिर से लंबा ब्रीथ। दूसरे से बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। लीजिए दूसरे से एक्सहेल। फाइव फाइव टाइम दोनों नोस्टल से। एंड रिलैक्स। आप लोग को याद है मैंने एक चीज कहा था कि मैं आप लोग को उजियाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम की स्पेशलिटी बताऊंगी कि कौन कौन से लोगों को करना है और नहीं करना। उजियाई प्राणायाम जो होता है वो आपको बीएमआर को ठीक कर, बीएमआर बोले तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो हमको मोटा और पतला करता है, एक साधारण भाषा में जो मोटा और पतला करता है। हमारे यहाँ पर दो ग्लैंड होते हैं अगर आप लोग समझ पाए तो, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो ये सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड होगा, वहां पर आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। थायराइड एंड पैराथायराइड दो ग्लैंड होते हैं, ऊपर नीचे बटरफ्लाई के शेप में, एक ऊपर और एक नीचे। जब हम उजियाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम उन दोनों की हल्की मसाज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि वो काम अच्छे से करें। तो जिनको थायराइड है, जिस किसी को भी माइग्रेन है, माइग्रेन भ्रामरी करने से काफी फायदा होता है, और थायराइड के लिए ये उज्जायी प्राणायाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पेशली यहाँ पर जो हमारा ये जो दोनों ऑर्गन है उसमें ये वाइब्रेशन देता है, हल्की सी तरंग उत्पन्न करता है जिससे उसकी मसाज होती है और वो वापस से हमारे बॉडी एक हार्मोन होती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं जिसको, वो बनाना शुरू कर देता। ठीक है, वो अच्छे से बनता है और फिर बॉडी हमारी या बढ़ता है घटता है, दोनों तरह से बीमारी होती है, वो दोनों चीजें यहाँ पर इसके काम होता है। तो उजियाई प्राणायाम करने के लिए किसको नहीं करना है, सब कोई कर सकते हैं, और कब करना है, जैसे सुबह के समय बताया, खाली पेट होना जरूरी प्राणायाम के टाइम में हल्का जरूरी है, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कि हमको डरना है, जैसे भस्त्रिका के लिए मैंने बताया था कि जिनको हाई बीपी है वो नहीं करेंगे या करेंगे भी तो स्लो करेंगे, बट उजियाई प्राणायाम का ऐसा कुछ भी नहीं, हर कोई कर सकता है, उजियाई और भ्रामरी कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब करते कैसे हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट आज स्पेशली आप लोग को सीख के जाना है। कई लोगों को आवाज नहीं निकलती है इसमें, सांस लेते वक्त में आवाज निकालना है। कई लोग कैसे करते हैं ऐसे आवाज निकालते हैं, ये नहीं है। सांस हल्का सा मुंह खोला, जो नए हैं उनके लिए, और जिनको आता है वो मुंह बंद करेंगे, इनहेल देखियो हल्का गड्ढा बनता जाएगा। यही अगर आप एक फिंगर डालोगे ना यहाँ, तो यहाँ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। पुट योर फिंगर, वन इंडेक्स फिंगर ओवर हियर, इनहेल, आप वाइब्रेशन, आप तरंग को फील कर सकते हो एक उंगली डाल के यहाँ पर, इतना ज्यादा यहाँ पर स्टिमुलेट करता है ये। ठीक है, तो सांस लेंगे और आवाज निकालेंगे, करिए करिए, एक दूसरे से शर्माने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं अलग से करने जा रहे हो जो कि किसी ने नहीं किया। ठीक है, अगर मैं इतने सारे लोगों के बीच में स्पॉटलाइट पे होके कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती, क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है डेली प्रैक्टिस करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो छोटी हैं, जिनकी बॉडी में अभी बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं,
और स्पेशली दोस्त जो कि ऑलरेडी थायराइड है, आपको पता नहीं है हर घर, एक घर छोड़ के हर दूसरे घर में थायराइड अभी मेट्रोपॉलिटन में पहुंच चुका है। गांव में अभी फिलहाल सिचुएशन बेटर है, बट क्या आप चाहते नहीं है कि हम इससे बच सके? और बहुत छोटा है कि हमको बैठ के आवाज निकालनी है, क्या करना है ना? तो करिए वापस मेरे साथ, करिए स्टार्ट पूरी आवाज। और छोड़ना है नाक से, ठीक है? करिए सभी स्टार्ट। ममता पाल जी, आप दोनों, आप पहले तो क्या वो नीचे कर दीजिए, आपके बगल में जो है मास्क, मास्क नीचे करिए, आप करिए। यस निशा जी, ट्राई ट्राई ट्राई, पुट योर एक फिंगर यहाँ रखे और आवाज को फील करने की कोशिश कीजिए। वाइब्रेशन फील हो रहा है? यस 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 यस, ये उज्जायी प्राणायाम है। उज्जायी पूरी आवाज के साथ जब हम इसको उच्चारण, और इससे एक और चीज, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा बेच रही है उनकी आवाज अच्छी हो जाती है। अब मुझ पे मत आना, मैं कंटिन्यूअस बोलती ही रहती हूँ इसलिए मेरी आवाज ऐसी ही है, मेरी आवाज नहीं सुधर सकती, ठीक? तो उजाई हर कोई कर सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है इसको करने से पहले, और डेली में कम से कम 5 से 7 बार इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक? एक उजाई प्राणायाम, इससे पहले हमने कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्य भेदी, ये सब करवा दिया था ना, सारे हो चुके हैं क्लियर। अभी हमने ये किया उजाई, अब मैं एक और प्राणायाम करा के फिर भ्रामरी करा दूंगी। और वो प्राणायाम क्या है, गर्मी के दिनों में और जिनको एसिडिटी है उनको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। वो क्या है, दांत के ऊपर दांत रखना है ऐसा, अच्छा इसके लिए हमको अलग से फेस का अलग कुछ नहीं करना है, सिंपल हल्का सा मुंह खोलो और दांत के ऊपर दांत रखो, मुंह से सांस लो और नाक से बाहर निकालो। मुंह से जब आप सांस लोगे तो ये पूरा हमारे को डाइजेस्टिव ट्रैक तक आपको ठंडा फील होगी, फील करो इसको। इसको ना करने वाले वो होने चाहिए जिनको हमेशा कफ की दिक्कत होती है, म्यूकस ज्यादा बनता है, गोल्डन कफ हमेशा रहता है, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून करें, ठीक है? तो ये वाला सबके लिए नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा कम कराते हैं ये। और एक और प्राणायाम जो कि सेम है वो है, बनाओ जरा पाइप, बनाओ फरहा के बच्चों, दिखाओ मुझे पाइप बना के, टंग बाहर निकालो, पाइप बनाओ, लिप से नहीं बनाना, टंग से बनाना है ना, लिप्स 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 से नहीं, टंग से श्वेता, टंग से बनाओ टंग को, यस वेरी गुड शशि बाला, आप दोनों के यहाँ पे दोनों का। और पूजा तुम हंसो बेटा, पूजा बच्ची है तो पता नहीं, मतलब दोनों में से जो बच्ची है वो हंसो, टंग बाहर निकालो। अब इसी से सांस लेते हुए जाना है और नाक से छोड़ना है, समझ रहे हो? आप लोग जो ज्यादा लोगों, एक दूसरे का टांग चेक कर सकते हो, संगीता करना जरा, आपको सिर्फ मैं देख रही हूँ। यस बलिराम जी, आपका हो जाता है? यस अकबर जी, बाकी लोग तो भैया हमारे कैमरा ऑफ करके सब परफेक्ट हैं, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं सब परफेक्ट है, सब कर चुके हैं, ठीक है? शीतकारी और शीतली दो प्राणायाम है ये, दोनों भाई भाई हैं एकदम। हाँ चांद जी का आप कैमरा ऑन हुआ है, मैं यही कह रही हूँ कि ये दो प्राणायाम जो हैं वो भाई भाई हैं, एक दूसरे जैसे, एक ट्विंस हैं दोनों, दोनों का सेम इफेक्ट होता है। जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, किसी ने मुझे बोला था कि बहुत तेज दर्द होता है पेट में, एसिडिटी होती है, उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिसकी बॉडी, जिसको गुस्सा बहुत तेज आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसका गला हमेशा सूखता रहता है उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, और जिसको प्यास ज्यादा लगती है, वैसे तो पानी आपको प्यास बुझाएगी, बट मान लो समटाइम्स आप ऐसे होते हो, बाहर होते हो, प्यास नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, आपको लग रहा है कि अब मैं, मेरे को पानी की जरूरत है बट पानी नहीं है, तो
तो ये प्राणायाम आपके प्यास को बुझाता है, ऐसा मतलब इससे ऐसा होता है कि आपको ठंडक मिलती है। ठीक है, तो ये दो प्राणायाम जो है वो एकदम एक सेम है, दोनों में से एक भी कर लोगे चल जाएगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राणायाम हमेशा खाली पेट करते हैं, बट देन ये वाले जो प्राणायाम है जो कि ऐसे प्यास बुझाने वाले और ऐसा, तो कभी भी कर सकते हो, ऐसा कभी भी एकदम। मैम कितनी बार करना है ये? 5 से 7 बार शुरुआत में और उसके बाद आपको खाना मैम। ठीक है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छा है, बट देन कोल्ड कफ म्यूकस ब्रोंकाइटिस अस्थमेटिक वाले लोग अवॉइड करें। ठीक, जी मैम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की खासियत ये है कि ये आपको अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करता है। मैं आप लोगों को सर्वाइकल का जरूर एक्सरसाइज बताऊंगी, बट मैं अपने प्राणायाम को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। ये आपके अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करता है। जब आप योग से जुड़ते हो तो योग मीन्स मतलब योग का जो लास्ट हमारा मतलब होता है, जो लास्ट तक हमको पहुंचाना होता है, वो समाधि मीन्स क्लीन हो जाना। जो भी आपके अल्लाह है, खुदा है, मेरे बाबा हैं, आपके भगवान हैं, जो भी हैं, उनकी याद में ध्यानस्थ हो जाना। ठीक है, तो ये उसका लास्ट का है। तो भ्रामरी हमको मेडिटेशन के उसमें जाने में, फर्स्ट स्टेज में जाने में हेल्प करता है, जो प्राणायाम मैं कराने जा रही हूँ वो। दूसरा क्या बड़ा फायदा है इसका, थायराइड वगैरह अगर आपको है तो उसमें आपको मदद मिलती है ठीक होने में। तीसरा, माइग्रेन अगर आपको है, माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, आप रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम कीजिए 11 बार, थोड़ा शांत वाली जगह पे, और आपको उसमें मदद मिलेगी। ये प्राणायाम आपको खाने के बाद, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि तुरंत बाद आप बैठ जाओ, नहीं, मैम ने बोला है कि खाने के बाद ये कर सकते हैं, तो आज तो मैं अब मैं खाना खा के ही करूंगी, ऐसे मत करना। बट देन रात में सोने से पहले अगर आप इस चैंटिंग के साथ आप भ्रामरी करें तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और आप बहुत शांत फील, रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा, आपको फ्रिक्वेंट गुस्सा आता है या फिर आप निर्णय नहीं ले पाते हो, ये गलत है, ये सही है, मुझे इस साइड जाना चाहिए, इस साइड जाना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम के प्रैक्टिस से आपके माइंड पे इतना कंट्रोल होता है कि आप उसके लायक भी बन जाते। तो और क्या चाहिए लाइफ में, इतनी सारी बीमारियों के अलावा आपको एक मेडिटेटिव पोस्चर में पहुंचाने वाला और इतने फायदे देने वाला अगर एक प्राणायाम है, तो क्या हम उसको 11 बार के लिए समय नहीं निकाल सकते? अब आप कहोगे कि मैम आपने तो सबके इतने फायदे बताए, ऑब्वियसली फायदे तो सबके हैं, तभी इतने सारे लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं। बट देन आप लोगों को पता है, आप लोगों की जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि योग को बहुत सालों तक छुपा के रखा गया। छुपा के रखा गया मीन्स जो संत थे, जो सन्यासी थे, जो योगी थे, बस अपने शिष्यों को, उन्हीं शिष्यों को देते थे जो उसके लिए अधिकारी होते थे, जो उनको उसके लिए एलिजिबल होते थे। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार तभी मिलता है जब आप उसके लिए लायक होते हो ना, तभी मिलता है ना। सेम योग एक ऐसी चीज थी जो उसी को दी जाती थी जो उसके लायक हो। अब धीरे धीरे उसके मेडिकल फायदे उठाने के लिए लोगों ने इसको कॉमन किया है, तो हम लोग भी इसको डेली कुछ प्रैक्टिस करके इससे फायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के वर्कशॉप तक ना रह जाए, आप डेली करें, बस इसलिए मैं आप लोगों को इसकी सारी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, आई डोंट नो आप लोगों का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज मुझे भी मार्क्स मिलेंगे, लिटरली मैम विल गिव मी द मार्क्स, गीता मैम विल गिव मी द मार्क्स कि कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारा, तो ये आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, अब इसको हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, फायदे मैंने बताए, नुकसान कोई भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है, किसी भी बीमारी के साथ कर सकता है, सोते उठते कभी भी कर सकता है। ठीक है, अब करते कैसे हैं, ये ईयर सैग होता है ना, जो छोटा सा पार्ट होता है उठा हुआ, हमको कान के अंदर उंगली नहीं घुसानी, हमको बस इसको दबाना है। ठीक, इसको दबाया, कान बंद हो गया, हमारे को बाहर से कोई आवाज नहीं आएगी। अब ये वाली जो फिंगर है उसको हम हल्के से हौले से आंखों पे डालेंगे, मिडिल फिंगर जो है उसको हल्का सा नाक पे डालेंगे, और ये पोजीशन है हमारी। अब फिंगर को उठाया, लंबा ब्रीथ लिया, जितना लंबा ले सकते हैं, अब हल्के से इसको दबाएंगे जिससे सारी सांस एक साथ ना निकल जाए, और पूरी आवाज के साथ म ये वाला उच्चारण होगा, ओम का उच्चारण नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ
भ्रमरे की, भ्रमर होता है ना भंवरा, उसकी आवाज निकालते हैं हम और उससे अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील करते हैं। तो अभी हम सभी करें एक साथ, पोजीशन लीजिए सभी, कान आंख नाक ये फिंगर ऐसा, नाक से सांस लिया, पांच बार करना है और फिर वापस आ जाएगा। आ जाए वापस, दोनों हाथ को रब कीजिए, आंखों को ढकिए। ठीक है, नाउ प्राणायाम टॉपिक एंड। प्राणायाम से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा, अब आप लोग नेक्स्ट जो वर्कशॉप है उसमें प्राणायाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो जरूर याद करके पूछ लीजिएगा। ठीक, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं बोलने नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग सबको सीखो और इसको आगे लाइफ में लो। तो जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज अभी आगे के दो वर्कशॉप में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को पांच एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो इस एरिया को ठीक करने वाला है, जो आपको, आप लोग सभी करोगे, जितनों का कैमरा ऑन है वो तो करोगे। तो पहला तो इसको हम गर्म करते हैं, गर्म मीन्स हल्का सा वार्म करते हैं इस एरिया को, पूरा क्लॉक एंड एंटी क्लॉक मूवमेंट के साथ इसको क्लॉक, बलिराम जी आ जाइए क्योंकि आगे मैं एक्सरसाइज जरूर कराऊंगी। आप क्लॉक एंटी क्लॉक 5 टाइम कर लिया पूरा, वेरी गुड, 5 टाइम क्लॉक एंटी क्लॉक मूवमेंट हो गया। तो उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा एक जो मूवमेंट है वो बहुत जरूरी है जिससे ये पूरा एरिया हल्का सा वार्म हो जाएगा। सर के पीछे हाथ रखेंगे, इनहेल और हाथ पीछे और वापस। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, जिससे आप लोगों को पता रहे कि अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप इसको कर सकते। 5 टाइम हमने ये कर लिया, अब हमको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास बॉल है, दीवार तो सबके पास होगी ना, तो वहां पर खड़े होंगे और अपने इस एरिया को हल्का सा हल्का सा हाथ को फिंगर के साथ 1 2 3 4 ऐसे फिंगर के साथ ऊपर बढ़ाया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। ये एक छोटी सी स्ट्रेचिंग थी और मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों को खड़े होके करो, जिससे आप इस एरिया को फील कर पाओगे कि इस एरिया में हमारे सारे बच्चे लग गए फरा आपके साथ में। ओके, एक ये एक्सरसाइज है जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट। दूसरी एक्सरसाइज जो बहुत जरूरी है और इसको करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, कीड़ोज को छोड़ के फरहा आप अपने पर ध्यान देना अगर आपको कभी भी इस चीज को करना हो तो। क्या होता है वो, हम अपने चिन को एकदम सीधा रखेंगे, ठीक, अपने पाम से प्रेशर लगाना है, मैंने अपने पाम से प्रेशर लगाया, पीछे धक्का दे रही, पुश कर रही हूँ अपने नेक को, बट मेरा नेक रिवर्स रोक रहा, नेक पीछे नहीं जाएगा, होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक,
पे प्रेशर लगाया और नेक को रोकेंगे हम, इतना हम यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। उसके बाद पहले फॉरहेड, फिर साइड, फिर यहां प्रेशर, पूरे में प्रेशर, बैक, बैक से हम पुश कर रहे हैं आगे नेक को, लेकिन हमारा नेक का रुकेगा। इससे क्या होगा, अगर किसी को सर्वाइकल एरिया में जरा सा भी पेन है वो रिलीज होगा, वहां के मसल स्ट्रांग होंगे। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर प्रेशर लगाओ, देन ये, और लास्ट कहाँ दबाया, चिन को। यस, तो ये प्रेशर था हमारे चार, हमने कितनी जगह पर, एक दो तीन, बैक चार, पांच छः और ये सात, ये सातों जगह के प्रेशर लगाने से हमारा जो गले का पीछे से लेके साइड से लेके ये सारा एरिया मसल्स जो थे वहां के एक्टिव हुए। हमारे नेक में सात वर्टेब्रेज हैं, मतलब सात डिस्क हैं, ऐसे 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 ऐसे, उनमें से जरा सा किसी में भी टूट फूट होगा, स्वेलिंग होगी, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा पेन आएगा। और आप लोग और हम लोग अभी फिलहाल वर्चुअली पूरे टाइम अपने फोन और लैपटॉप के आगे रहते हैं, तो ये एरिया स्टिफ हो जाता है। तो इस एरिया के लिए हमको ये चीजें करनी जरूरी है। ठीक है, ये वाला जो था वो सिर्फ मैंने आपके शोल्डर को ओपन करने के लिए किया, मेन एक्सरसाइज हमारा ये नेक का था। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, नेक की पांच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक की पांच एक्सरसाइजेस मीन नेक अप एंड डाउन। डाउन कौन करेगा, जिसको सर्वाइकल का पेन नहीं होगा ऑलरेडी, तो नेक अप एंड डाउन, जिसको सर्वाइकल है वो नेक अप और सेंटर, बस नीचे नहीं लाएंगे। ये एक है, उसके बाद कान तक, कान को कंधे तक लेकर जाओ, कान जाएगा कंधे तक। दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज, अपने हाथ से इसको पूरा पुश करो, दूसरी तरफ भी, फिर से पूरा बैक देखो, अपना पीठ देखो, अपना पीठ देखो, अपना पीठ देखो, पुश करो हाथ से, ये तीसरा था। चौथा ये देखो, मैंने अपने हाथ को अपोजिट साइड कान तक ऐसे पकड़ा और स्ट्रेच कर रही, यस स्ट्रेच, फील द, फील दिस स्ट्रेच, हाँ अपोजिट साइड में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसको फील कर, चेंज, फिर से वेरी कॉमन एक्सरसाइजेस, येट वेरी 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 इफेक्टिव। आपको अभी से वहां पर या तो हल्का पेन आ रहा होगा या हल्की से स्ट्रेच फील हो रही होगी। अब हमको क्या करना है, रोटेशन करना है। एक जो बहुत कॉमन गलती करते हैं रोटेशन के लिए, जब भी हम रोटेशन के लिए करते हैं तो हमारा पता कैसा होता है, देखना एक बार ऐसे करते हैं जैसे भूत भूत आ जाता है ना, ये घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है। क्या करना है हमको, शोल्डर टू शोल्डर ये मूवमेंट है हमारे, ऐसा वन इनहेल, सांस भरते हुए इनहेल, नाउ एक्सहेल। अब यहीं से वापस, यहीं से वापस पूरा क्लॉक एक बार यहीं पे रोक दिया और फिर वहां से वापस,
जैसे ही हम ऐसा वाला घुमाना शुरू करेंगे हमारे नेक पे कोई ना कोई स्ट्रेन आएगा ही आएगा। तो ठीक बंद होने के बदले हम क्या करेंगे, एक अलग से बीमारी ले लेंगे, हमको वो नहीं करना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है जो हमको ध्यान देनी है। अब जिनको सर्वाइकल होगा वो जानते होंगे कि हमको चक्कर आता है जी, हाथ तक चक्कर आता है, हाथ में झुनझुनी भरता है, हाथ में सामान ग्रिप नहीं कर सकते हो, पर्स नहीं लटका सकते हो, जरा सा कुछ मूवमेंट ऊपर से नीचे करते हो तो आपको चक्कर आता है। एक छोटी छोटी चीजें हैं और इतनी छोटी बीमारी की इतनी सारी चीजें हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको हाथों की मूवमेंट भी जरूरी है। तो उस मूवमेंट में आपका एक तो वही मूवमेंट था जो हमने ये वाला किया है ना, ये तो कर ही लिया था ना। अब एक जो मूवमेंट है वो है अंदर मुट्ठी बांध और शोल्डर को हम कान तक लेके जाएं, ये इसको पूरा स्ट्रेच करके ऊपर नीचे, ये पूरा 15 टाइम आपको शोल्डर अप एंड डाउन करना। एक तो बैठे बैठे करो, आप लोग अगर किसी को जरा सा भी जॉक हो पाए ना ऊपर ठीक। एक ये चीज और एक ये मूवमेंट है जो आपको पूरा करना है, ये फुल मूवमेंट। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान से करना है वो है ऐसे हाथ को पूरा पंजा बनाया और अपनी तरफ खींचा, पंजा बनाया उसे जैसे किसी को खींचते हैं वैसे पकड़ के खींचा, फील करो। जब आप इसको पकड़ के ऐसे पकड़ के अपनी तरफ ब्रीथ भरते हुए खींचोगे ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरे में आपके आपको फील होगा, एक्टिवनेस फील होगी। खींचो पकड़ के ब्रीथ के साथ इनहेल। सपोज मैं आप लोगों को बीमारी को ले रही हूँ अपनी तरफ, तो मेरे को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो ऐसे खींचो पूरा खींचो, इनहेल खींचो खींचो अपनी तरफ, खींचो 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 खींचो। आई समझ में, आगे समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सर्वाइकल या कंधे के रीजन में दर्द हो रहा है तो। पहला एक्सरसाइज था ये, दूसरा एक्सरसाइज था ये, ये 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 वाला, फिर था नेक अप एंड डाउन, फिर ये साइड वाला, फिर ये था, फिर ये था, फिर रोटेशन था, फिर हैंड्स अप एंड डाउन था, शोल्डर अप एंड डाउन था, और ये। ठीक है, आई समझ में? कुछ कुछ आया नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। अगर आया तो, अगर आप इतनी भी एक्सरसाइज डेली कर लेंगे ना तो सर्वाइकल कभी भी नहीं होगा और कंधे की स्टिफनेस आपकी निकल जाएगी, सब किसी की भी, जो भी आप लोग हैं। एक चीज जो आपको हमेशा करना है वो थोड़ी सी मूवमेंट जरूर कर लेना, जब भी सर्वाइकल वगैरह होता है तो बॉडी यहाँ से स्टिफ होती है, तो मूवमेंट क्या होगी, ये कर लिया क्लॉक एंटी क्लॉक है ना, ये सब जो मूवमेंट है ये वार्म अप एक्सरसाइजेस में आ जाएंगे। फिर ये कर लिया, ये सब वार्म अप एक्सरसाइजेस में हमारी मूवमेंट्स आ जाएंगी। और बाकी मेन एक्सरसाइजेस जो थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ठीक, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्राणायाम, रिगार्डिंग दीज एक्सरसाइजेस, रिगार्डिंग एनीथिंग? हेलो मैम। हेलो बच्चा। मैम प्राणायाम करते हुए जब हमने शुरुआत की थी तो मैम चक्कर जैसा आ रहा था, तो ऐसा शुरू शुरू में करते हैं तो होता है मैम ऐसा प्राणायाम के टाइम में? यस मैम। जब आप एकदम बिगिनर्स होते हैं तो कई बार होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है, कई लोग तो ऐसे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि आंखें बंद करते हैं और उनको चक्कर जैसा फील होता है। यस मैम। हाँ, तो ये वही है आपके साथ में, बट अगर आपको ऐसा चक्कर जैसा लगता है तो आंखें खोल के करिए, डोंट क्लोज योर आईज, लेकिन आफ्टर दैट धीरे धीरे आपको ये चीज खत्म हो जाएगा, तो आंखें बंद करना भी सीखना। ठीक, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। हाँ जी अर्चना जी, बताइए।
मैं तो वैसे रोज ही करती हूँ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी, ये चारों मैं रोज ही करती हूँ। लेकिन मैं फिजिकली डिजेबल हूँ, तो मैं झुक के चलती हूँ, मतलब कि राइट साइड से, तो मेरे ये कंधे में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसके बाजू में भी, तो उसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज होगा? बेटा ये जो एक्सरसाइजेस है ना, देखो जो आपका हल्की सी डिसेबिलिटी है ना, उसकी वजह से ये पे ऑब्वियसली एक तरफ आपको स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, तो आपको जी जो मैम, अभी एक्सरसाइजेस बताया ना बच्चे, वो डेली करो, दो दो सेट करो, फिर तीन तीन चार चार सेट करना, आपका दर्द चला जाएगा। स्पेशली जो वॉल के साथ वाला किया ना हमने, उसमें पहले जिस साइड पड़ता है ना, उस साइड से 3 बार कर लेना, वो ज्यादा करना, आपको वो दर्द जो होता है ना, वो स्ट्रेस वाला जो पेन होता है वो रिलीज हो जाएगा, तो वो आप जरूर करना। ठीक है बेटा, थैंक एनीवन एल्स? हाँ स्मिता जी, आईज की एक्सरसाइज के लिए? यस श्योर, मैं पिछली बार ही इस बात पे थी, बट आप थी नहीं आज, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने आज प्राणायाम और ये कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में आईज और बैकेक, बी रेडी गाइज, बैकेक की एक्सरसाइजेस में जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इन सब चीजों की दिक्कत होती रहती है। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे अपनी आईज के लिए, और हम फिर 2 मिनट की ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग, एंड देन हम ये वर्कशॉप ओवर करेंगे। ठीक है स्मिता जी, ये वाली एक्सरसाइज आप कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज, आंखें बंद करके आंखों की एक्सरसाइज कितनी अच्छी हो सकती है ना। आईज क्लोज, अपने स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करो, मेरी आंखें खोलनी जरूरी है क्योंकि मुझे आप सबको देखना है। ठीक, शोल्डर एकदम थोड़ा सा रिलीज करते हुए, उखड़ा हुआ ऐसे ऊपर नहीं होगा, हल्का से नीचे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, हल्का सा नेक को ऊपर करो और छत को देखो, चैलेंज है आपको, छत को देखो, छत को देखो, छत को देखो, आंखें खोल के छत को देखो। अब नाक से सांस लो और मुंह से बाहर निकालो, और अब से 15 काउंट आप ये ब्रीथ करोगे और आईज नहीं झपकोगे, पलक नहीं झपकोगे, देखते कौन विन करता है। लंबा सांस लो और मुंह से बाहर निकालो। आप लोगों को पता है हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो अपनी बॉडी के एनर्जी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं थ्रू योर माउथ, आपकी बॉडी एकदम लाइट फील करेगी इसके बाद, और दूसरी चीज हम आईज की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पलक मत झपकना, जिनको सर्वाइकल है वो ज्यादा ऊंचा नेक मत करो, छत को देखते रहो, पलक नहीं झपकोगे, जब से झपक लिया वो वापस आ जाना, समझ जाएंगे कि हाँ भाई इनसे नहीं हो पाया। आईज नहीं क्लोज करेंगे, देखते रहो, आंखों में आंसू आए उसके बाद भी देखते रहो छत पे, बहुत इफेक्ट, नेत्र शक्ति विकासक नाम है इसका। नहीं हो पा रहा है कोई बात, डेली प्रैक्टिस करेंगे। हमारे आंखों में अगर काजल होता है या फिर हमारी आंखें ज्यादा लंबी टायर्ड होती है, तो आंखों में नहीं, रब नहीं करना रे, तो रब नहीं करना बेटा, दोनों हाथ को रब करो, गरम करो हाथ को और पामिंग करो अपने हाथ को, ऐसा जो भी वापस आए रब करो। समझ में आया? ये तो छोटा सा एक्सरसाइज था, ये हमारे बच्चे दिन में 3 बार करेंगे, जो कि हमेशा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फोन हाथ में रहता है, और जो लैपटॉप पे काम करते हैं वो दिन में कम से कम 2 बार जरूर करें इसको। इससे आपका नंबर जहां पर है वहीं रुकेगा पहली बार, और विद इन 1 ईयर आपका 0.5 नीचे भी आएगा। और ड्राई आईज अगर किसी को है उनमें भी हेल्प मिलेगी, स्मिता जी उनमें भी हेल्प मिलेगी। वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आईज की देखभाल चाहते हो चश्मा उतरे तो एक्सरसाइजेस के साथ प्लीज अपने खाने में गाजर को या विटामिन ए के किसी भी सोर्स को, जैसे कि पम्पकिन भी हो सकता है, उसको इंक्लूड कर। ठीक है, एक चुकंदर, आधा चुकंदर, एक गाजर, ऐसी चीज सलाद में हम खा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं आता है। तो अगर आपको आंखों की देखभाल करनी, तो ये आईज का था। नाउ क्लोज योर आईज, और नेक्स्ट स्मिता जी हम 5 एक्सरसाइजेस एक साथ करेंगे याद से, और वो एक्सरसाइजेस आपको बहुत इफेक्टिव लगेंगी। आंखें बंद, लंबा ब्रीथ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, क्विक रिलैक्सेशन, सांस लो और छोड़ो। स्पाइन गो स्ट्रेट, फील
कि आपका शोल्डर एकदम ढीला हो चुका है। एक बार लंबा सांस लो, बाहर निकालो और शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला, हाथ भी ढीला, कोई मुद्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम ढीला हो गया। अब फिर से लंबा ब्रीथ लो, अब मिडिल ट्रंक को एकदम ढीला छोड़ दो, कोई कुछ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, ढीला छोड़ दो, छोड़ दो ढीला। चंद्र जी, चांद जी, नेक सीधा करो बच्चा, नेक आ जाओ वापस। लंबा सांस लो और अपने लोअर बॉडी पार्ट को एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम रिलैक्स, फुल बॉडी एकदम ढीली, कोई कंट्रोल नहीं, लूज शिथिल, एकदम शांत, चेहरा हल्का मुस्कुराता हुआ। अब हर एक सांस लेने वक्त में पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी, थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो जाओ, आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लंबा सांस भरो और जब तक भरते रहो जितना वो पॉजिटिविटी ले सकते हो, और छोड़ते वक्त में अपने अंदर जितनी एक बीमारी है, थकावट है, नेगेटिविटी है, बाहर निकालो सांस के थ्रू। लंबा सांस, इनहेल द लाइट। सांस छोड़ने वक्त में ऐसा हल्का सा धुआं टाइप महसूस होगा निकलते हुए, और आपकी बॉडी एक एक किसी नेगेटिविटी को बाहर निकालेगी। विजुलाइज करो, सांस लेते वक्त में आपकी बॉडी एकदम रोशनी से भर रही है, सांस छोड़ते वक्त में आपकी बॉडी से हल्का सा डार्क धुआं निकल रहा है जो आपकी नेगेटिविटी है। विजुलाइज करते जाइए, सांस भरते वक्त में आप एकदम लाइट रोशनी, सांस छोड़ते वक्त में आपकी बॉडी आपकी थकावट को एक्सहेल कर रही है, एकदम फ्रेश, एकदम शांत, मुस्कुराते हुए। मेरे साथ सभी जो कोई ओम का उच्चारण कर सकते हैं वो मेरे साथ तीन बार ओम का उच्चारण। नंबर थ्री, हाथ पर रख दीजिए, आंखों को ढके, अपने हाथों को देखते हुए आंखें ऊपर करें। ठीक है बच्चों, ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, जितने लोग भी ज्वाइन करे थे उन सबको ठीक लगा। स्मिता जी आप हैं क्या, क्या हम अभी इसको फिनिश कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी हम लोग कर सकते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट में हम मिलते हैं, ठीक है, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।